नमस्कार, आज हम पालक पनीर बनाएंगे। रोज़ाना जो पालक पनीर बनाते हैं उससे ये सब्ज़ी एकदम अलग है, बहुत जल्दी बन जाती है और स्वाद में लाजवाब है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। सब्जी बनाने के लिए हमने ये पैन गरम कर लिया, इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल। रोज़ाना की सब्जी है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। तेल गरम कर लेते हैं, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे तेल में और फ्लेम को धीमा कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 1 ये तेज़पत्ता, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा, इसमें है 3 लौंग और ये 7 काली मिर्च और ये 1 बड़ी इलायची, इसे हम छील कर डालेंगे, छील के हटा देंगे। मसालों को हल्का सा भून लेते हैं। सब्जी में डालने के लिए हमने ये 3 टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरे मिर्च और ये हमने पीस कर ले लिए। मिला देते हैं। इसमें डालेंगे हम 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती है तो हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं बनेगी। मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इनसे तेल अलग ना होने लगे। मसालों से ऑयल बाहर निकलने लगा है, हमारा मसाला भून चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और कसूरी मेथी को हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे और हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप घर की निकली हुई ताज़ा मलाई। क्रीम भी डाल सकते हैं, सब्जी का इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ताज़ी मलाई का स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो दूध से निकलने वाली जो मलाई है उसे आप फ्रिज के बजाय फ्रीज़र में एक डब्बे में रखते जाइए और जब भी मलाई की ज़रूरत हो मलाई को आप 10 मिनट पहले निकाल के रख लीजिए, आपको हमेशा ही ताज़ी मलाई का स्वाद मिलता रहेगा। इन्हें मिलाते हुए मसालों को हम थोड़ा और भूनेंगे। हमने ये 200 ग्राम पनीर लिया है, इसके पीसेस बना लेते हैं। मसालों से ऑयल अच्छी तरह से बाहर निकल आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसाले भुन चुके हैं। ये 3/4 छोटी चम्मच नमक है, स्वादानुसार नमक ले लेंगे। मिला देते हैं नमक को और ये पनीर के टुकड़े मसाले में डाल देते हैं, मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं 3/4 कप पानी और फाइनली 2.5 कप चॉप पालक। पालक को हमने अच्छे तरीके से साफ किया, 2-3 बार धोया, छल में रख के सारा पानी निकाल दिया और फिर काट कर ले लिया है। हल्की सी मिक्सिंग कर देते हैं और इसे ढककर 3-4 मिनट पकने देते हैं, फ्लेम मीडियम रखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सब्जी को हमने पूरे 5 मिनट कुक कर लिया है और पालक तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है और देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई। कितना अच्छा टेक्सचर आया है सब्जी का और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। ये सब्जी को प्याले में निकाल लेते हैं। पालक पनीर तैयार है। जो आप पालक पीस कर हमेशा पालक पनीर बनाते हैं उस सब्जी से इसका स्वाद एकदम अलग है और झटपट बन जाती है। बनाने में कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, लेकिन सब्जी के मसालों को आप अच्छे तरीके से भून लीजिए, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप ये पालक पनीर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।